नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं नवीन। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने और लोगों को नशा से दूर रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। शराब का धंधा छोड़कर कोई और रोजगार करने वालों के लिए बंपर स्कीम का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शराब बेचने का काम छोड़ने वाले को राज्य सरकार 1,00,000 रुपए देगी। सिर्फ शराब बेचने वाले ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वाले के लिए भी यह स्कीम चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में नशा मुक्ति के लिए लोगों को पहले से ही जागरूक किया गया है। अंधा करता है भीतर में, असली उसी को खोल करके पकड़िए और बाकी तो अपने बाहर नहीं निकलता है। गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम लगा देता है, तो पैसा देता है, तो वैसे सब लोगों को आप जोड़ लीजिए जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़ करके जेल में भेजिए और जो ऐसे लोग जुड़े हुए उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1,00,000 रुपया तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। अब कोई दूसरा काम शुरू करेगा तो कितना बढ़िया होगा। तो आप तो हम लोग कह रहे हैं कि नया मौत बनाने जा रहे हैं, अब इस कानून में हम और जोड़ने जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के आधार पर लोगों के मन में है। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ पद यात्रा में कई लड़के हैं जिन्होंने उस भ्रष्टाचार के दंभ को झेला है। कट ऑफ जो जारी हुआ है उसमें विद्यार्थियों का आरोप है कि उसमें हेरफेर किया गया है। नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है। जनसुराज पद यात्रा के 56वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के सुगौली से रामगढ़वा की ओर प्रस्थान के दौरान ये बातें कहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के अब तक के अपने अनुभव को साझा किया और आगे की रूपरेखा पर भी बातचीत की। रिलेटेड है पिछला बीपीएससी, अभी हम लोगों ने देखा उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे, तो बहाली को लेकर नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतने देखिए बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी तरह बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई साल। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और कुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। जो जोड़े फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो एनिवर्सरी बर्थडे मैरिज पार्टी या किटी पार्टी या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टो फॉर डिलीशियस फूड। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।